हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम। आज क्या लेकर आया हूं? आज एक जर्नी पर ले जाने वाला हूं आपको, जर्नी ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। एक छोटा सा बच्चा कैसे एक महान वैज्ञानिक बन गया। वैज्ञानिकों में सबसे महान यूं कहिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था। वंस ही वॉज आस्क्ड कि कैसे हम अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर लाएं, तो उनका क्या जवाब था कि लेट देम एंड गिव देम बायोग्राफी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट टू स्टडी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए मैं लेकर आया हूं आपके लिए द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। किसकी बात करता है, कौन है ये साइंटिस्ट? यस, इट इज़ लेसन 6 from your supplementary reader class 10, it is footprint without feet। किसकी बात करता है ये, कौन से वैज्ञानिक की मेकिंग है ये? मेकिंग है ये रिचर्ड एच अब्राइट की, और ये लेसन को लिखने वाले हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। यस, हु वॉज अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर एंड हु लेटर बिकेम अ फ्रीलांस ऑथर ऑफ मैगजीन आर्टिकल्स एंड बुक्स स्पेशली ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग। तो ये लेसन जो बात करता है रिचर्ड एच अब्राइट, कैसे चाइल्डहुड से जो सफ़र शुरू हुआ, उसकी मदर ने हेल्प की, है ना, जो उसका साइंटिफिक टेम्पर था कैसे डेवलप हुआ, कि हम जो बच्चे हैं ना, आप 10th में हैं, यू सी द स्काई इज़ ब्लू, तो यू शुड बी इंक्विजिटिव कि वाई स्काई लुक्स ब्लू ओनली, वाई नॉट ग्रीन। यस, ऐसे प्रश्न अगर उठें आपको, अगर आपके विज्ञान के अध्यापक, आपके साइंस टीचर योर टेकिंग योर क्लास, तो यू शुड आस्क क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से पहचान होती है बच्चे की। यू सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो यू शुड आस्क योर टीचर, मैम सर Why do stars twinkle? Yes, ये question है। What is a rainbow? इंद्रधनुष कैसे बन जाता है ये? And why do fruits fall on earth? अरे ये तो न्यूटन की याद दिला रहा है हमें ये question तो। न्यूटन था ना जिसने law of motion दिया और universal जो gravitation का हमें principle समझाया। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आने चाहिए आपके दिमाग में भी, तो पता लगेगा। और ये लेसन भी ऐसी ही बात करता है, वन ऑफ नेचर्स मोस्ट फ्रिजाइल एंड फेमिलियर क्रिएचर्स दैट दिस साइंटिस्ट रिचर्ड एच अब्राइट स्टडीड, बटरफ्लाइज की ये बात करेगा। ये मैंने लगाई भी हुई है यहाँ पर तभी। ठीक है, तो क्या था वो स्कूल डेज में, कैसा था वो चाइल्डहुड में, आपकी स्टोरीज क्या हैं? You also must have wondered about certain things around you, है ना, जो आपको बहुत जो हैं आकर्षित करती हैं, क्या चीज़ें हैं वो अपने बताइए, हमें बताइए। जैसे प्रोफेसर यशपाल एंड डॉक्टर राहुल पाल की जो डिस्कवर्ड क्वेश्चन थे, उसके पेज नंबर 75 पे अगर आप जाएं, तो कैसे क्वेश्चन जो है उनसे बच्चे पूछा करते थे, ये सारा कलेक्शन है। तो आप देखिए कि वट इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग, वट आर इट्स यूजेस, ये भी इस लेसन में आएगा। या कैसे हनी बीज जो हैं आइडेंटिफाई करती हैं देयर ओन हनी कॉम, कैसे एक के पीछे एक, क्या क्या वो कुछ छोड़ती हैं ऐसा, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंक्विजिटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स हैपन, कि जो रेन जब गिरती है ड्रॉप्स में क्यों गिरती है, वाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स। ये प्रश्न अगर आपके मन में भी आते हैं इस तरह के, तो आपका भी साइंटिफिक टेम्पर है। आंसर दीजिए इन सभी सवालों के, फाइंड आउट कीजिए। और ये लेसन बात करेगा कि कैन अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन वन्स लाइफ, जैसा रिचर्ड एच अब्राइट के साथ हुआ। हर मदर गिफ्टेड हिम अ बुक दैट चेंज्ड हिज लाइफ, दैट बुक वाज ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसने बदल दी। क्योंकि बुक्स रीडिंग की जो हैबिट अगर आप में पड़ जाए ना, बिलीव मी चिल्ड्रन, इट इज सेड दैट
ये कहा भी जाता है, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। तो बुक्स आप जरूर पढ़िए। अगर आपने आगे बढ़ना है, साइंटिफिक टेंपर लाना है, जो भी हॉबीज हैं डेवलप कर लीजिए, रीडिंग की ये हॉबी बना लीजिए अपनी। और कौन सी हॉबी हैं, यहाँ पर बात करेगा रिचर्ड एच एब्राइट की, हम बात करेंगे कलेक्टिंग थिंग्स उसकी हॉबी थी। तो आपकी क्या है, कुछ आपने इकट्ठा किया है, कॉइन्स इकट्ठे किए हैं, फॉसिल्स इकट्ठे किए हैं, या स्टैम्प्स कलेक्टिंग किया है कभी आपने, या लेयर टाइम में आप क्या करते हैं अपने, वो आपकी हॉबी है। दिस कैन बी स्टेपिंग स्टोन फॉर योर करियर, योर हॉबी कैन टर्न इंटू योर प्रोफेशन। यस, तो साइंटिफिक टेम्पर की जब हम बात करते हैं, तो स्कूल लाइफ में आप हैं, कितने आपने मॉडल बनाए हैं, कितने साइंस फेयर में आपने पार्टिसिपेट किया है, कितने डायग्राम को आपने एक्सप्लेन किया है अंडरस्टैंडिंग के साथ, कितना आप जो हैं क्लासरूम में क्वेश्चन करते हैं, यस, या कितना आप रेफरेंस के लिए जाते हैं डिक्शनरी में, एनसाइक्लोपीडिया में, या कितना समय आप इन यूजलेस वीडियोस या टेलीविज़न पर बिताते हैं, या जो है आप साइंटिफिक प्रोग्राम्स देखते हैं एनिमल प्लैनेट पर या डिस्कवरी पर, ये सब जो है दिखाता है। यही हम बात करेंगे इस लेसन में कि वो कौन सी इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ एक बच्चे में होनी चाहिए, और बढ़ते बढ़ते कैसे वो एक ग्रेट साइंटिस्ट में बदल सकता है, कैसे उसकी मदर ने हेल्प किया, तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ये भी हम इसका जो है लेसन को स्टडी करते हुए हम जानेंगे। इंटरेस्टिंग लेसन है, बायोग्राफी है ये। तो फर्स्ट रेट माइंड था उसका, रिचर्ड एच एब्राइट का। सर्वोत्तम दिमाग आपके अंदर होना चाहिए, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू लर्न न्यू थिंग्स, जिज्ञासा आपके अंदर हो, एंड अ विल टू विन, कि मुझे कुछ बनना है, मुझे जीतना है, और चाहिए आपको परिवार का साथ, जो रिचर्ड एच एब्राइट को मिला मदर के रूप में, द ग्रेट कंपेनियन शी प्रूव टू बी। डज योर मदर हेल्प यू इन योर स्टडीज, मोटिवेट्स यू? यस, ऑफ कोर्स। तो आज हम इस ग्रेट साइंटिस्ट की बायोग्राफी को स्टडी करेंगे, स्टडी करते हुए ये लेसन, द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, रिचर्ड एच एब्राइट, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। यस, तो कौन थे ये रिचर्ड एच एब्राइट? ये वही थे जिसने एट द एज ऑफ 22 एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद हिज न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। दसवीं में आपका लेसन है ना, नाइन्थ में भी था, कोशिका पर, वो कैसे काम करती हैं, जिसने बताया सबसे पहले, वो यही वैज्ञानिक थे जिसके बारे में ये पाठ है। अपने साइंस टीचर को कहिए, मैडम रिचर्ड एच एब्राइट को हमने स्टडी किया है, साइंस में नहीं इंग्लिश में, सर ने हमें लेसन पढ़ाया, ठीक है, तो आप ये डिस्कस कीजिए, वो और डिटेल आपको बताएंगे आपके साइंस टीचर भी। और इतने ग्रेट थे कि पहली बार इनका लेख किसी स्टूडेंट का, फर्स्ट एवर टाइम जो है नेशनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुआ। अच्छा थिंकर था वो, ठीक है, और ये तो उसकी जो स्ट्रिंग में से एक उसका एक्सपेरिमेंट था इन साइंस एंड अदर फील्ड। आगे डिटेल आने वाली है, आपको हम देंगे व्हाइल स्टडिंग समरी ऑफ दिस लेसन। बट बिफोर गोइंग फॉर समरी, आई वुड लाइक टू से यू टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय फ्यूचर वीडियोज एज एंड व्हेन आई रिलीज देम। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, इस वीडियो को लाइक भी करना। तो जर्नी जो है स्टार्ट हुई बटरफ्लाई के शौक से, कलेक्टिंग उसका बटरफ्लाई बिल्कुल प्राइमरी जब वो क्लासेस में था तब ही। व्हेन ही वाज रिजाइडिंग एट रीडिंग, देयर वाज नो कंपेनियन एंड ही वाज नॉट हैविंग मच टू डू एक्सेप्ट वन थिंग, जस्ट कलेक्टिंग द थिंग्स। तो जब कोई नहीं था खेलने को, तो उसने अपना समय का सदुपयोग कैसे किया इन कलेक्टिंग थिंग्स, और क्या क्या वो कलेक्ट किया करता। ही यूज टू कलेक्ट बटरफ्लाइज, रॉक्स एंड फॉसिल्स एंड कॉइन्स ऑफ कोर्स। देखिए आप, ये मेरी क्लास के बच्चों ने कॉइन्स को पेंसिल से ड्रॉ करके ये किया भी है, ठीक है, और इस तरह से
जो है बढ़ते बढ़ते वो बन गया एक ईगर एस्ट्रोनॉमर, स्टार गेजर। कहा जाता है कि माँ ने भी उसको पहचान लिया था कि पूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, तो उसकी माँ को भी लग गया था कि व्हेन ही इज़ नॉट हैविंग एनी कंपेनियन तो आई शुड गिव हिम सम एक्स्ट्रा वर्क टू डू। तो ऐसे करके उसने भी जो है ड्राइव किया उसकी क्यूरियोसिटी को, उसके उसने देखा कि ही इज़ हैविंग अ ब्राइट माइंड। तो इन सब के साथ जो उसकी एनकरेजिंग मदर थी वो जो है अच्छी जो है कंपेनियन प्रूव हुई वे बैक फ्रॉम हिज स्कूलिंग एंड शी हेल्प्ड हिम एज ए ब्राइट के फादर जो हैं व्हेन ही वाज इन थर्ड ग्रेड, उनकी डेथ हो गई थी, तब से जो हैं डेली उन्होंने डेली जो है मदर के साथ अपनी बचपन से ही जो है डाइनिंग टेबल पे शाम को डेली बैठना। आपकी कितनी बॉन्डिंग है मदर के साथ, फादर के साथ, फैमिली में बचपन में रहते हुए, इसी पर निर्भर करता है। क्योंकि जो जो क्वालिटीज़, जो गुण आपके अंदर आपके माता पिता जो हैं भर सकते हैं, व्हेन वी सिट टुगेदर विद आवर फैमिली, तो दे यूज़ टू सिट टुगेदर एट डाइनिंग जो रूम टेबल पर डेली बैठा करते थे। उसने ऑब्जर्व किया कि व्हाट एब्राइट लाइक्स, व्हाट आर हिज लाइकिंग्स, ही इज़ हैविंग साइंटिफिक टेम्पर एंड शी ऑब्जर्व दैट ही वॉज ईगर टू लर्न। सो वट शी डिड दैट इफ ही वॉज नॉट हैविंग एनी थिंग टू डू, ही वॉज ही इफ ही हैड नथिंग टू डू, शी वुड गिव हिम सम वर्क, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स सो दैट ही कुड सी ऑब्जर्व द थिंग्स थ्रू हिज आइज। बुकिश नॉलेज अलग है, जितना आप ट्रेवल करेंगे उतना आप नॉलेज पर्सन होंगे। तो ये सोचकर उसकी मदर उसको बार बार ट्रिप्स पर भी ले जाती थी, और अगर टॉय गिफ्ट करने की बात है तो कैसे टॉयज, शी वुड गिफ्ट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल जो है वो दिया करती थी ताकि वो जो है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सके, सीख सके, जो उसको ये सब उसने उसने हेल्प किया। और ही लर्न with this cooperation from mother and his own scientific temper, he got top grades, ठीक है, and when he was in grade 2, would you believe, he collected 25 जो हैं species of butterflies, जो आपके book में भी ये list आप देख पा रहे हैं दी गई हैं, इनको उसने इकट्ठा कर लिया था, ठीक है, तो at the grade of 2, कितनी उम्र होगी आप सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो उसने 25 तरह की प्राइमरी में ही करके फिर छोड़ दिया, बट एक बुक जो उसके हाथ लगी, जो उसकी मदर ने उसको गिफ्ट किया, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो है, तो विच टेल्स अबाउट हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ये माइग्रेट हुई, तो इस सब के बारे में वो बुक बात करती थी। तो उसकी क्यूरियोसिटी जो है और बढ़ी, एंड इट ओपन फॉर हिम द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन एज रिसर्च वॉज गोइंग ऑन बाई डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओकार्ट हु टू टैग द बटरफ्लाइज। उसमें ये मैंशन था लास्ट में कि अगर आपने बुक पढ़ी है, बटरफ्लाइज का अध्ययन कर लिया है, तो हम आपको एक एक्टिविटी दे रहे हैं कि आप बटरफ्लाई को टैग कीजिए। तो ही वॉज अटैचिंग लाइट अधेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, मोनार्क्स को पकड़ो और उसके विंग्स को जो है टैग करो। उसने ये भी कहा कि ये जो टैग हैं आपने डॉक्टर उखार्ड को भेजने हैं, तो उसने ये सब करना शुरू किया जैसा उस बुक में प्रेस्क्राइब था। तो वहाँ पर जो है रीडिंग में सीजन जो था लास्टेड फॉर 6 weeks ओनली बटरफ्लाइज का, दैट यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी इन 6 week, तो आप देख भी पाते हैं। तो वट ही डिसाइडेड एट दैट टाइम ही डिसाइडेड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ मोनार्क्स, तो मैं खुद ही पाल लेता हूँ, तो ही वुड कैच वन फीमेल मोनार्क, ही वुड टेक हर एग्स, रेज देम इन हिज बेसमेंट, है ना, एंड थ्रू देयर लाइफ साइकिल। तो आप देखेंगे कि कैसे लाइफ साइकिल जो होती है, पहले एग होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एग से जो है कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से फिर फाइनली जो है एडल्ट बटरफ्लाई जो बनता है। तो ये जो लाइफ साइकिल होता है उसने इसका अध्ययन किया, और फिर वो जो था उसको टैग करता था एंड लेट देम गो दोज बटरफ्लाइज को।
एंड फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. कोई तो यूं कहो एग्स थे, कोई कैटरपिलर्स थे, कोई प्यूपा के डेवलपमेंट पर था, कोई जो था बटरफ्लाई था और उसको टैग कर रहा था. तो इस तरह से उसका जो बेसमेंट था दैट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स. ठीक है, तो क्या हुआ कि ग्रेजुअली ही बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बिकॉज इट वॉज अ टीडियस जॉब फॉर हिम एंड इट वॉज नॉट मच रिवॉर्डिंग. सो ही वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन बिकॉज ओनली टू वर रिकैप्चर्ड विच वर टैग्ड. तो ये ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा. वट हैपन देन इन वैन ही वॉज इन ग्रेड सेवन इन काउंटी साइंस फेयर वॉज ऑर्गेनाइज एंड ही गॉट देयर एन आइडिया टू शो इन दैट साइंस फेयर स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज. बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही कुड नॉट गेट एनी प्राइज देयर. क्योंकि उसने वो दिखाया था, जस्ट इट वॉज डिस्प्ले, बट इट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस देयर वेयर ही रियलाइज दैट others have got prizes because there were not neat display as was his, rather they were doing work on real experiments. So yahan par use bhi laga ki I should come with different in next county jo hai science fair. So he kept his competitive spirit alive and jo kehte hain never say die ki spirit hamare अंदर होनी चाहिए. तो उसके अंदर भी ये थी, ये भी साइंटिफिक टेंपर का ही वो है कि वी लर्न फ्रॉम आवर फेलर्स. सो ही ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिज फेलर दिस टाइम. इट वॉज फर्स्ट टाइम ही गोट एन आइडिया एंड ही प्रोमिस्ड टू कम आउट विद अ रियल एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट ईयर एंड ही इवन डिसाइड्स टू राइट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज कि वट शुड आई डू, आई वॉन्ट टू डू सम रियल एक्सपेरिमेंट. एंड अर्कहार्ट हु केम विद स्टैक ऑफ suggestions for him and those jo suggestions the wo kept a bright busy in high school and won him many prizes later in county and international science fair as well. आपके स्कूल में भी साइंस फेयर देखिए आप प्राइमरी क्लासेस से ही या मिडिल क्लासेस में ही लगने शुरू हो जाते हैं. तो लेट मी नो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पर आपके पिक. हम जरूर अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे 9466707359 पर. देन इन एट्थ ग्रेड ही ट्राइड टू फाइंड कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्स ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. उसने एक नया टॉपिक चुना इस बार. तो आप भी जो हैं टेंथ में हैं, क्या आपने क्या टॉपिक चुना था मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके. तो वहाँ वो रीजन ढूंढना चाहता है कि क्यों एवरी फ्यू ईयर्स जो हैं कैटर मोनार्क जो हैं बटरफ्लाई वो जो वायरल डिजीज से जो ग्रसित हो जाती थी माइट बी ड्यू टू बीटल. तो वो रीजन भी ढूंढता है. तो ही रेज्ड कैटरपिलर्स इन बीटल प्रेजेंस, तो उसकी प्रेजेंस में, बट ही कुड नॉट गेट रियल रिजल्ट. बट ही शोड हिज एक्सपेरिमेंट इन द साइंस फेयर एंड ही वन देयर. Still he won there. ठीक है, तो next year एक और उसने जो सिद्धांत लाया थ्योरी थी कि वॉयसरॉयज बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. उसने ये दावा किया कि जो वॉयसरॉय बटरफ्लाई हैं दे कॉपी मोनार्क्स. वट हैपन्स कि वॉयसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स एंड मोनार्क्स डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स एंड वॉयसरॉयज आर टेस्टी. सो मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स इट विल बी जो है लेस चांसेस ऑफ फॉलिंग प्रे टू प्रेडिटर्स और बिकमिंग अ डिनर ऑफ बर्ड्स. सो हिज दिस प्रोजेक्ट जो है वन फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी एंड थर्ड इन ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर दिस ईयर. तो यहाँ जो है फाइनली वो जीतते हैं. और जब उसका सेकेंड ईयर होता है हाई स्कूल में तो वो एक अननाउन इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में स्टडी करता है विच लीड्स टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिका के बारे में. यहाँ पर जो है उसको पता लगता है कि क्वेश्चन वॉज व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ दोज 12
टाइनी स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा पर जो ये 12 तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं उसका क्या कारण होता है, जब इस पर वो स्टडी कर रहा था तो ये कहा जाता था कि दीज आर जस्ट ऑर्नामेंटल, बट जो हैं डॉक्टर अकार्ट भी जो है वो डिड नॉट बिलीव दिस थ्योरी, तो उसका ये जो है एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद किया गया। तो ही मेड अ डिवाइस दैट दे प्रोड्यूस हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। तो ये जो मार्क होते हैं यूं ही नहीं होते हैं, दीज आर नॉट मेयर ऑर्नामेंटल, बट जो हैं दीज हार्मोन्स आर नेसेसरी फॉर बटरफ्लाई फॉर फुल डेवलपमेंट, इसने सिद्ध किया। तो दिस प्रोजेक्ट जो है वन हिम फर्स्ट प्राइज इन काउंटी साइंस फेयर दैट ईयर, इट गेव हिम अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो ही वन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी एंड गॉट एन ऑफर टू वर्क एज एंटेमोलॉजी लैब ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वहाँ पर उसको भी बुलाया गया। तो ड्यूरिंग ही जूनियर ईयर न्यू आइडिया अबाउट सेल वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हारमोन, द फोटोज गेव हिम आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स की हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए विच डिटरमीन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल्स हेरिडिटी। ये जो आज आप देखते हैं फोरेंसिक्स का है या साइंस में सेल की थ्योरी डीएनए की थ्योरी, ये उसी की देन है हमें। सो इट्स दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। तो इतना उसके आविष्कार थे, आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, इतना हाईएस्ट ऑनर किसी को भी नहीं मिला जितना हार्वर्ड में ग्रेजुएट करने पर उसे मिला। देन ही वेंट टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड वेयर ही बिगेन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, इफ प्रूव्ड राइट दिस विल बी अ बिग स्टेप इट वॉज बिलीव्ड टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड न्यू आइडिया टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ दिस डेडली कैंसर। न्यू आइडियाज़ टू प्रिवेंट सम टाइम ऑफ कैंसर को हम कैसे बचाएं एंड अदर डिजीजेज, ये जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट था रहने वाला। तो उसको वो पर जो है सोल्व जरूर करना था इस पजल को। तो थ्योरी ऑफ पर्पज ऑफ स्पॉट्स ऑन मोनार्क लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। कैसे एक छोटा सा, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ, कहीं हम तो बिहाइंड वॉज हर मदर इट वॉज येस एंड दैट बुक द ट्रेवल of Monarch X. So he was having no time for other interest, but he was keeping himself busy on research on butterflies. He also became, not only he was a good scientist, क्योंकि जो scientific temper है, आप positivity के साथ चलते हैं, curiosity होती है आप में learning new things की, तो आपको क्या बना देती है, he became champion debater. He was a very good public speaker. He was in sports में देखें, other activity में he was a good canoeist, he was expert photographer and if we talk about his admirers in high school, जो थे उसके SST teacher थे Richard A. Wehrer was his admirer. He opened his mind to new ideas. उसने जो है teacher ने भी और mother ने भी मिलकर जो है efforts किए, उसको appreciate किया, motivate किया और उसके mind में new ideas जो है develop करने के लिए प्रेरणा भरी। तो उसके वो SST teacher थे, तो extra effort at night जो है 4 hours तक भी जो है वो तैयारी करता था lecture की। तो ये जो competitiveness है कि prepare करके जाना, तो he was a good competitor and competitor not in bad sense, in good sense. So he was not interesting in winning for winning sake or prizes sake, कि हम इसलिए काम करेंगे हमें प्राइज लेना है, no, because he wanted to do the best job he could serve. वो बेहतर काम करके दिखाना चाहता था, प्राइजेस का उसको वो नहीं था। फॉर द राइट रीजंस ही वांटेड टू बी द बेस्ट, ही स्टार्टेड विद फर्स्ट रेट माइंड क्यूरियोसिटी एंड ए विल टू विन फॉर द राइट रीजंस एंड फ्रॉम द टाइम वे बैक, कब से, व्हेन ही वाज गिफ्टेड विद दैट बुक, विच बुक, द जर्नी स्टार्टेड विद दैट बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बाय हिज मदर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट।
सो चिल्ड्रेन दिस वॉज द समरी ऑफ द लेसन. होप कि आपको अच्छा लगा होगा. इफ़ इट इज़ सो प्रेस द लाइक बटन. और अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छी चीज़ तो दोस्तों में बांटनी भी चाहिए. लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सभी क्लासमेट्स को कि विजय सर ने बड़ी अच्छी समरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट पर बना दी है. देख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाला हूँ इस लेसन के 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, करेक्टर स्केच ऑफ ए ब्राइट का भी और MCQs भी लेकर. 3 वीडियोज विल बी कमिंग नेक्स्ट आफ्टर दिस वीडियो. ज़रूर मिलना, उन्हें भी देखना. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. लव यू ऑल. थैंक यू.